ठीक है, एके मिश्रा जी, जो बात यहाँ पर संदीप द्विवेदी जी कह रहे हैं, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपको लगता है कि और कुछ भी ऐसी चीजें हुए हैं जो कि सरकार की तरफ से की जानी चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है वो लगातार हम ये कह रहे हैं क्योंकि जो पेशेंट है उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, सरकार के प्रयासों का जो है सराहना होनी चाहिए और इसको मैं सेटिस्फैक्ट्री मानता हूं। पिछले 15-20 दिन से ही आप देखिए, और ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के कारण हर फोन पे कॉलर ट्यून वगैरह अगर देखिए तो कोरोना वायरस के ही जो है वो सुनाई दे रहे हैं। तो ऐसे महामारी के लिए जो है मैं ये बोलूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोई मेडिसिन तो है नहीं, डॉक्टर बता रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले ये होता है जानकारी होना, हर आदमी को जानकारी होना। तो सरकार ने सभी साधनों के थ्रू जानकारी पहुंचाई है, और जिस हिसाब से अभी हाई अलर्ट मूड पे ये लोग आए हैं, अभी मैं योगी जी को सुन रहा था कि हर जिले में एक स्पेसिफिक वार्ड बनाया गया है आइसोलेशन का, इसका मतलब ये है, मतलब कि हर जिले का मतलब है भले ही वहां कोई केस अभी रिपोर्ट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन सरकार चौकन्नी है, सरकार ने हर जिले में व्यवस्था की है। अब अगर सरकार और जनता और स्वयंसेवी संस्थाएं, देखिए सबसे बड़ा इसमें देखने वाली चीज ये है कि अगर हम अपने आप को सुरक्षित रख सके एक लेवल के बाद जाने के बाद, कोई भी महामारी को ना कोई सरकार ना कोई सिस्टम जो है रोक नहीं पाता है, नुकसान बहुत हो जाता है। तो इस नुकसान को बचाने के लिए सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी मैं एक एक आदमी की, एक एक व्यक्ति की मानूंगा। और एक चीज से मैं और सहमत नहीं हूं, कई डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि मास्क जो हेल्दी है उनको लगाना जरूरी नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसके पीछे एक रीजन है, रीजन ये है कि जब इंफेक्शन किसी को होता है तो हो सकता है उसके सिम्टम्स उसको 2-4-6 दिन के बाद नजर आए, उसको फील हो, इन 2-4-6 दिनों में वो अपने आप को तो स्वस्थ समझता है और सामने वाला आदमी भी उसको स्वस्थ समझता है और इंटरेक्शन होता है, तो वहां पे भी लेटेंट वे में देखा जाए डोरमेंट फेज का इन्फेक्शन तो हो ही जाता है। तो मैं ये बोलता हूं कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है कालाबाजारी वगैरह हो रही है, मार्केटिंग के फंडे हो सकते हैं, सरकार को उस पे जो है रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए उपाय करने चाहिए, लेकिन एहतियात जितने भी हो सके, भले ही आप स्वस्थ हैं और जब तक ये खतरा बना हुआ है, आप मास्क को या सैनिटाइजर वगैरह यूज करना, हाथ धोना, इसको हाई प्रायोरिटी पे हमेशा ही रखिए। कोई पता नहीं है, जो इन्फेक्टेड होता है जब तक सिम्टम्स उसके अंदर पूरे उजागर नहीं होते हैं उसको भी नहीं पता चलता है, ये हर बीमारी में एप्लीकेबल है कि वो इन्फेक्टेड हो गया है और जाने अनजाने में वो इन्फेक्शन किसी और स्वस्थ आदमी को लग सकता है या वो एज ए वेक्टर की तरह काम करता रहता है। तो प्रिकॉशन हर चीज लीजिए, सिर्फ डॉक्टरों ने बोल दिया कि आप मास्क मत लगाइए या आप ये सोचते हैं कि आप घर के बाहर नहीं जा रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है, सैनिटाइजर तब भी यूज कीजिए, हैंड वॉश आप तब भी करिए, दिन में 2-3 बार आप जरूर यूज करिए। तो मैं समझता हूं कि ये महामारी का रूप नहीं ले पाएगा और भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा और भारत की विजय होगी। ठीक है, लेकिन एके मिश्रा जी एक सवाल और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी मैं सुन रहा था, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई, लोकसभा के अंदर भी उस बात को कह रहे थे कि हमारे जो आसपास के देश और खासतौर से फिर हम लोग जो देश ज्यादा इफेक्टेड है अगर वहां के भी हम लोग जिक्र कर लें तो हम लोग प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं, इसलिए भारत में ये उस तरीके से फैला नहीं है, क्या इस बात से भी आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कल राहुल गांधी ये कह रहे थे कि सरकार को जो काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रही, इस पर भी राजनीति का एक जो बयान है वो उनका कल सामने आया था, कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि हर प्रॉब्लम में जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन ये बात सही है। देखिए वायरस को फैलने के लिए और डिफरेंट तरीके के जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो कुछ इपिडेमिक सिचुएशन, कुछ जियोग्राफिकल सिचुएशन में बहुत तेजी से फैलते हैं। आपने देखा होगा कुछ बीमारियां कुछ देशों में बहुत ज्यादा पाई, इवन इंडिया में भी बात करें तो जैसे काला ज्वर होता है वो बिहार बंगाल में बहुत ज्यादा पाया जाता है, या मच्छर मलेरिया वही होगा जहां पानी या बारिश ज्यादा होती होगी, एक सिचुएशन में होता है। देखिए इटली वगैरह में जो ये महामारी बहुत तेजी से फैल गई है उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि वहां का एनवायरनमेंट उस वायरस को पनपने के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, दूसरा जो होता है वो ह्यूमन के द्वारा कि वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव रही होगी, बहुत ज्यादा एक दूसरे लोगों से मिलना जुलना ये सब। अच्छा दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताऊं हमारे यहाँ हाइजीनिक सिचुएशन प्रैक्टिसेस डेली है, देखिए शेक हैंड की बात होती है तो अगर शेक हैंड वेस्टर्न कंट्री में होता है तो वहां पे ये महामारी फैलेगी, हमारी जो परंपराएं रही हैं शायद हम उससे बच गए हैं क्योंकि हम यहां नमस्ते करते हैं, शेक हैंड को हम उतना प्रीफर नहीं करते हैं, गांव देश में आज भी दुआ सलाम राम राम होता है, शेक हैंड का नहीं होता है। तो जो हजारों साल से हमारी हाइजीनिक परंपराएं रही हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं, शायद ये भी एक कारण है कि इन्फेक्शन को उतनी तेजी से बढ़ने नहीं दे रहा है। एके मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते ये आपसे भी रहेगा, क्योंकि जब बार बार इस बात का जिक्र
जिक्र होता है कि जो तमाम डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर इतनी तेजी से फैल गया। चाइना का जिक्र करते हैं कि रातों रात उसने 1000 अस्पताल बना दिए, इतने लोग फिर भी वहां पर मर गए। हिंदुस्तान के तमाम एहतियात बरते जा रहे हो, लेकिन अगर ये बढ़ेगा तो फिर उससे निपटने के जो इंतजाम होने चाहिए वो हमारे पास नहीं। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते क्या इन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। देखिए होता है, इसके पहले महामारियां लेकिन चाहे चाइना अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, अगर ये फैलेगा तो मेडिसिन तो है नहीं, तो आपके पास जो नेचुरल चीजें हैं, चाहे वो आपका ऑटोमेटिक नेचुरल इम्यून हो, चाहे हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, किसका कितना पे ये बहुत है। और इस वक्त भारत में जो टेम्परेचर चल रहा है कि टेम्परेचर वगैरह ये वायरस को सरवाइव करने के लिए उतना सुटेबल नहीं है जितना कि ठंड में होता है। पर दूसरी चीज ये वगैरह यहाँ पे बहुत शाकाहारी है, तो जो रिस्क है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम है। तो रीजन ऑफ अदर, हम बहुत सेफ है अपने हाइजीनिक सोशल कल्चर के, अपने सोशल एटिकेट के कारण, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं, देखो क्या जो होती है वो दुपट्टा या घूंघट वगैरह ये सब करके चलती है हमेशा, या गमछा वगैरह भी लेकर हम लोग चलते हैं, तो ये भी एक बचाव का जो कि ऑटोमेटिकली हजारों साल हमारे यहाँ है, हमारी परंपराएं ही हमको अभी तक जीवित रखे है। दूसरी चीज, अगर ये महामारी का रूप लेता है, मेडिसिन नहीं तो आप आइसोलेशन वार्ड में करके वहां पे भी आप यही रिकवर कर जाए, क्योंकि कोई मेडिसिन तो है नहीं। आइसोलेशन वार्ड में रखने का मतलब यह है कि आप उसको इस चीज से रोक देते हो कि वो दूसरों को ना फैलाए, बाकी ठीक तो उसका अपने आप होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम उसको ठीक करता है। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ के जो हाइजीन है, जो देखिए चूहा सैदन शाह की एक कहानी है, आप उसको पढ़िएगा, वो इसी सिस्टम पे वो है कि हम लोग क्योंकि जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में कोरोना नहीं रह पाएगा, लेकिन हम लोग जीवित रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, हमारे अगर कोरोना और हमारे यहाँ के इम्यून सिस्टम में लड़ाई हो, फाइट हो, तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे यहाँ का जलवायु कोरोना को मार देगा, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिकॉशन ना लें, प्रिकॉशन हमेशा लेना चाहिए। भले एम्स के डॉक्टर और कोई बोल रहा है आप मास्क ना लगाएं, मैं बोलता हूं आप जब भी ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहा है, सेफ्टी के लिए आप मास्क जरूर लगाएं। मैं लौटा एक ऐसा आदमी हूं, सारी मीडिया, सरकार, मुख्यमंत्री, एम्स डायरेक्टर बोल रहे हैं कि स्वस्थ आदमी को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है वेक्टर, मतलब जो लेटेंट वे में कैरी कर रहा है उसके वायरस को, उसको भी नहीं पता है, प्रशासन और डॉक्टर को भी नहीं पता है, कोई भी आदमी इंफेक्टेड हो सकता है लेकिन किसी को पता नहीं है। अगर आप उसे छींकने की आप इंफेक्टेड हो जाने के बाद इसका कोई मेडिसिन या इलाज नहीं है। मास्क आप जरूर लगाइए, आपके पास पैसे नहीं है महंगे मास्क मत लगाइए, सिंपल कपड़ा दो फर्क 3 लेयर बना आप मास्क अपने घर बना लीजिए। मैं इस चीज को एडवोकेट करता हूं, अकेला ऐसा आदमी हूं कि आप मास्क लगाएं, भले ही इस देश का बोल रहा है आज जो स्वस्थ है वो कल तो जो आज स्वस्थ के जो है रोग बन जाएंगे, तो इसका क्या है? विकास सिंधु जी से जवाब ले, आप सुन रहे हो तो मैं आप देख, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं मास्क लगाएं, कुछ लोग कहते हैं जो स्वस्थ हैं उनको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा थोड़ा ये कंफ्यूजन क्लियर करें। आप तो जब बीमार हो जी, जवाब ले, आवाज मिल रही है आपको?